नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जिंदगी में कभी कभी हम एक ऐसे कपल से मिलते हैं जो हमारा फिर से प्यार में विश्वास जगा देता है। एक ऐसी ही एवरग्रीन जोड़ी एक्ट्रेस नीतू कपूर और उनके दिवंगत हस्बैंड ऋषि कपूर की थी। बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय कहे जाने वाले ऋषि कपूर का चार्म ही अलग था। लड़कियां उन्हें लव लेटर्स लिखा करती थी और उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। लेकिन हैंडसम ऋषि एक्ट्रेस नीतू सिंह की ब्यूटी और मासूमियत देख कर पिघल गए थे। दोनों की लव स्टोरी में कई रुकावटें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ रहने के लिए हर चीज फेस की। हाल ही में नीतू ने अपना और अपने हस्बैंड का एक वीडियो कोलाज शेयर किया है, जिसमें दोनों ने अपने ब्रेकअप की बात बताई है। पहले आप ये जान लीजिए कि ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऋषि के निधन के एक महीने बाद नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपने हस्बैंड की एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने एक इमोशनल नोट भी लिखा था। नीतू ने लिखा था, शीरो मुझे गुड बाय करते हुए मेरे लिए अच्छी किस्मत की दुआ करो। यहाँ मैं अपने रास्ते पर आंसू के रास्ते नहीं खुशी के साथ चल रही हूँ। मुझे खुशी देना जो मैं कुछ समय के लिए अपने पास रख सकूं, अपने दिल में जब मैं कहीं दूर जाऊं। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो कॉलाज। दरअसल हाल ही में नीतू कपूर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में नजर आई थी, जहां उन्होंने ऋषि कपूर से जुड़ा एक पुराना किस्सा शेयर किया था। नीतू ने उस टाइम को याद किया था जब उन दोनों का झूठा कहीं का गाने के दौरान ब्रेकअप हो गया था। 30 मार्च 2021 को नीतू ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो का कोलाज शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यही सेम चीज एक बार ऋषि कपूर ने भी एक इवेंट में फैंस को बताई थी। वीडियो में ऋषि कपूर कह रहे हैं कि झूठा कहीं का जो गाना था, उस दौर में मैं और नीतू बिल्कुल बात नहीं करते थे, हमारा झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी। 4 दिन लगे गाना पिक्चराइज होने में और 1 दिन ना उनसे बात की और ना मैंने उनसे बात की। लेकिन जब आप पर्दे पर देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल प्यार में है और कुछ हुआ ही नहीं है। इस कोलाज में नीतू ने अपना वर्जन भी दिखाया है जो उन्होंने इंडियन आइडल 12 के सेट्स पर शेयर किया था, जहां उन्होंने कहा था, झूठा कहीं का जीवन के हर मोड़ पे गाने में हम डांस कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा ब्रेकअप हो गया था। मेकअप रूम में रो रो के मेरी बुरी हालत थी, मेरा डॉक्टर आया हुआ था, मेरे को इंजेक्शन मार रहा था। इस वीडियो कोलाज के कैप्शन में नीतू ने लिखा, हम दोनों के द्वारा अलग अलग ओकेजन पर सेम स्टोरी बताई गई, #IndianIdol12। इससे पहले 2 मई 2020 को नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक इमोशनल पोस्ट के जरिए ऋषि कपूर को याद किया था। नीतू ने बेहद कम शब्दों में अपने दिल का हाल बयां करते हुए सभी को इमोशनल कर दिया था। नीतू ने ऋषि कपूर की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, हमारी कहानी का अंत। वहीं सोनी टीवी द्वारा इंडियन आइडल के कई प्रोमो वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ दिनों पहले शेयर किए गए थे, जिसमें नीतू कपूर अपने कई पुराने किस्से सुनाती हुई नजर आ रही हैं। इस शो में पहुंचकर नीतू कपूर ने अपनी और ऋषि कपूर की प्यारी सी लव स्टोरी का जिक्र भी किया था। नीतू कपूर ने शो में ऋषि कपूर के प्रपोजल के बारे में बताया था, जो काफी अनोखा था। एक्ट्रेस ने बताया था कि ऋषि कपूर ने उन्हें टेलीग्राम के जरिए प्रपोज किया था। शो में नीतू कपूर ने कहा था कि वो शूटिंग की वजह से पेरिस में थी और मैं उन दिनों कश्मीर में शूटिंग कर रही थी। एक दिन अचानक मुझे एक टेलीग्राम मिला जो ऋषि ने भेजा था। उस टेलीग्राम में लिखा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं और उन्हें मेरी बहुत याद आती है। फिलहाल भले ही ऋषि कपूर आज हमारे बीच ना हो, लेकिन नीतू आज भी उन्हें बेहद मिस करती हैं। तो आपको एक्ट्रेस द्वारा शेयर किया गया वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।